दीपा ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपके साथ मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है। मैंने ये हर्बल वाल यूट्यूब पे ही देखा था आदिवासी का कि ये बहुत अच्छा रहता है, इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे आ रहे थे यूट्यूब पे, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। अभी मुझे 3 बोतल रिसीव हुई हैं इस पैकेट में। तो ये मैंने 1 महीना हो गया मुझे यूज करते करते, इसका मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला। ना ही मेरे बाल झड़ना कम हुए, ना ही मेरे व्हाइट बाल सही हुए, ना ही जो डैंड्रफ हो जाता वो सही हुआ। तो मैं क्या करूँ, मेरे पास तो ये 2 बोतल अभी पूरी बची हुई हैं। तो आप लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये हर्बल वाल असली आदिवासी वाल है कि नकली है। मुझे तो इसका ये भी आइडिया नहीं कि नकली आदिवासी वाल है कि असली है। तो मैंने इसको यूट्यूब से ही देख के मंगा लिया था। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं इन बोतलों का करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि 1 हो 2 हो तो चलो ठीक है, 1-2-3 महीने में यूज कर डालेंगे, लेकिन ये तो 3-3 बोतल है। अब 3-3 बोतल में कब तक यूज करूँ, और इससे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि चलो हाँ बालों का झड़ना कम हो रहा होता तो मैं इसको यूज करती रहती कि चलो ठीक है बालों का तो झड़ना कम हो रहा है, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर्बल वाल ऐसे पैकिंग में आया है, तो इससे मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इस पर बता रहे थे यूट्यूब पे कि 2 लोग बने रहते हैं, 1 लेडीज 1 जेंट्स बना रहता है, इस तेल को लेडीज जेंट्स दोनों यूज कर सकते हैं, उनके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं। तो मैंने ये सब देखते हुए इस वाल को मंगा लिया था, क्योंकि इस पर भी ऐसे बने हुए थे लेडीज और जेंट्स, फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे, मीशो पे अवेलेबल भी था ये। तो मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया था, मुझे याद नहीं है ये मैंने 1 महीना पहले मंगाया था, कितने का आया था, शायद 272 या 252 ऐसा आया था। इसमें 3 बोतल आई थी। तो आप लोग बताइए कि मैं ये क्या असली हर्बल है ये आदिवासी वाल की नकली है। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो ना तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।